राधे राधे बच्चों, अब हम बात करते हैं किसी पार्टिकल या रिजिड बॉडी की अलग अलग तरह के मोशन की। तो क्या हुआ, समझना इस बात को कि अगर कोई पार्टिकल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा हो तो उसके मोशन को हम रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से चले कि उसका, जैसे मान लो मैंने एक वीडियो बनाया बुक का, तो जैसे ये लेंथ ये रहा, इस पॉइंट का लेंथ ये रहा, ठीक है, ये पॉइंट इस लेंथ के बराबर है, ये सारे के सारे पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं, ठीक है। अब इस बुक को हम थोड़ा सा घुमा के भी ले सकते हैं, जैसे इसको इस तरह से कर्व पाथ पे लिया, तो भी इस केस में क्या है, बी वाला भी ऐसा आएगा, ए वाला भी, मतलब जो शेप बी वाला ले रहा है वही बी वाला, वही सी वाला, वही डी वाला। तो इन दोनों में क्या हुआ कि लीनियर डिस्टेंस जो है वो सेम है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ ऑल पार्टिकल आर सेम। अब अगर ये पाथ आपस में पैरेलल और स्ट्रेट लाइन हो तो इसको रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन कहेंगे। अच्छा, ये पाथ की लेंथ बराबर है ना, सभी पार्टिकल के पाथ की लेंथ बराबर है, लेकिन पाथ कर्व्ड है तो उसको कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन कहेंगे। अब अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। एक रिजिड बॉडी, ठीक है, कुछ इस तरह से मूव करे, जैसे मान लीजिए हमने रिजिड बॉडी कही है, अब इस रिजिड बॉडी में हम तीन पॉइंट्स ले लेते हैं, ये तीन पॉइंट्स हो गए। अब ये रिजिड बॉडी जो है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूम रही है, जैसे हमारा पंखा घूमता है, ठीक है। तो ये पार्टिकल जो है, ये पहला वाला पार्टिकल एक छोटा सर्कुलर पाथ बना रहा है, ये वाला पार्टिकल उससे थोड़ा बड़ा सर्कुलर पाथ बनाएगा बेटा, ठीक है, ये वाला सबसे बड़ा सर्कुलर पाथ बनाएगा, ठीक है। तो ये बॉडी कुछ इस तरह से घूम रही है कि हर पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, जिनके रेडियस जो है अलग अलग हो सकती है। तो इस तरह के मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, अब समझना बेटा, ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। जितने भी सर्कुलर पाथ हैं, ये देखो सारे सर्कुलर पाथ पैरेलल प्लेन में हैं, और सभी पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का सेंटर एक लाइन पर आता है, तो सेंटर ऑफ ऑल सर्कुलर पाथ लाइज ऑन सेम लाइन, जिसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। अभी इस डायग्राम में एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर भी हो सकती है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मे बी इनसाइड और मे बी आउटसाइड द बॉडी, और ये फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, तो इट मे बी फिक्स और वेरिएबल। तो यहां तक बात समझ में आई। अब यहाँ पे समझ में क्या है, देखो ये पार्टिकल जितने समय में एक सर्कल कर रहा है उतना ही टाइम इसको भी लगा, उतना ही टाइम इसको भी लगा, तो सभी पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन सब पार्टिकल के लीनियर स्पीड और टेंजेंशियल, मतलब लीनियर डिस्टेंस और टेंजेंशियल स्पीड अलग अलग होगी। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बेटा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो इन सभी बॉडी सभी पार्टिकल के लिए ओमेगा सेम है ना, लेकिन इसकी वेलोसिटी वी वन, स्पीड इसकी स्पीड वी टू, इसकी स्पीड वी थ्री, तो जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा दूर होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, और जो पार्टिकल खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है उसमें ओमेगा तो है बट उसका स्पीड जीरो है। तो हम डेली लाइफ में कुछ सर्कुलर मोशन के या रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल देखें, जैसे ये टॉप है तो ये इस पॉइंट एक्सिस के लिए रोटेट करता है, देखो सब पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, साइकिल का पहिया हुआ, पंखा हुआ, है ना, तो ये सर्कुलर मोशन भी है, ये रोटेशनल मोशन भी है। इस पॉइंट का एक सर्कल छोटा है, इस पॉइंट का सर्कल बड़ा है, ये भैया ये शैतानों की टोली, मैरी गो राउंड, ये बहुत खतरनाक होती है, इससे टॉर्क वगैरह अपन समझेंगे। और एक और रोटेशनल मोशन का जोरदार वाला एग्जाम्पल जाइंट व्हील, ठीक है,
तो ये जो भी आपने एग्जाम्पल देखा कि ये जाइंट व्हील हुआ, मैरी गो राउंड हुआ, है ना, मैरी गो राउंड देखो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये टॉप इस एक्सिस के लिए। अभी यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी फिक्स है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, पहिए के एक्सिस ऑफ रोटेशन पहिए के लिए फिक्स है, जमीन के लिए तो मोशन में है ना, और ये जब रुकने वाला होगा तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन यो यो घूमेगी, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम अगले वीडियो में सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। राधे राधे।